ये जो आज आप प्लांटिंग का इधर काम कर रहे हैं, ये आपको आइडिया या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से ये आया है? क्योंकि अपने लोग तो बहुत रहते हैं इधर, बट हाउ कम यू पिक्ड अप दिस इनिशिएटिव के हमें प्लांट लगाने चाहिए? हम लोग गायत्री परिवार, जो कि इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है शांति कुंज में, उससे जुड़े हुए हैं। तो हमारे गुरुदेव का ये संदेश है कि जो भी हमने मिला है, जहाँ से मिला है, जिस देश से मिला है, जहाँ तक की धरती से मिला है, कुछ ना कुछ लौटाना चाहिए। तो ट्री प्लांटिंग इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स। हम काफ़ी काम करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो कुछ सालों पहले हेरिटेज फेस्टिवल में जब हम गए थे, तो हमने ये सिटी का रूट फॉर ट्रीज का देखा था, और वहाँ से हमें आइडिया आया कि दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। All we need to do is provide some volunteers and city will give us the trees and they will also instruct us how to do it. Moreover, it's a very good opportunity to involve kids. तो इसमें सब एज ग्रुप के लोग हैं। आप यहाँ पर देखिए, सीनियर्स भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, और सिटी वाले उनके लिए हमें छोटे ट्रीज, छोटे शावल्स देते हैं। सो वेरी गुड वे, वी बीन डूइंग इट फॉर मोर देन 7 years नाउ, एंड मैनी पार्ट्स ऑफ द सिटी वी हैव प्लांटेड ट्रीज। और बाद में भी बच्चे जाकर देखते हैं कि हमने जो ट्रीज लगाए 2 साल पहले, अभी कितने बड़े हो गए हैं। तो इट्स वेरी मोटिवेटिंग फॉर देम एज वेल। तो जब ट्रीज बड़े हो जाते हैं तो आपको महसूस होता है ना कि हाँ भाई, हमने कुछ किया। ऑफ कोर्स, एंड एनवायरनमेंट इज अ वेरी बिग इशू दीस डेज, सो वी नीड टू टीच द किड्स अर्ली ऑन एज सून एज वी कैन, एंड दे कैन ऑल्सो कोरिलेट दिस टू व्हाट दे लर्न इन स्कूल, सो दे ऑल्सो गो एंड शेयर विद देयर फ्रेंड्स। सो सम इयर्स वी हैव गॉटन लाइक मोर यंगर किड्स, kids come from school, they bring their friends, so very good chance to everybody for coming out in this good weather, plant yes. some trees, good for the community. Thank you. दोस्तों, आज असीं मिलवुड्स दे ग्रेनन्स हॉस्पिटल दे बिल्कुल ईस्ट वाले पासे च खड़े हां, जिथे इक ना सिटी वालों इक ਨੇੜੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਵੀ ਟੂਗੈਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਜੀਵ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਬਤਾਏਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਂ, ये आप लोग कैसे सोचा कि ये प्लांटिंग का काम किया जाए? तो ये जो जो जिस समय हम दे रहे हैं ग्लोबल में जो एनवायरनमेंट वार्मिंग चल रहा है, तो उसके कारण ये अवेयरनेस फैलाने के लिए हम गायत्री परिवार के साथ में लास्ट 7 साल से गायत्री परिवार एंड वी टुगेदर स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हम लोग कंटिन्यूटी प्लांटेशन कर रहे हैं। 2 साल पहले हमारे 150 वॉलेंटियर्स थे, हम लोगों ने 1000 से ज़्यादा प्लांटिंग की थी। बीच में कोविड आ गया तो बीच में स्टॉप करना पड़ा। लास्ट ईयर केवल हम लोग ओनली 25 वॉलेंटियर्स की अनुमति मिली थी, तो 2 हम लोग उन इवेंट किए थे जिसमें हम लोगों ने 400 प्लांट किए थे। इस अलावा और जैसे हम लोग जैसे बी टुगेदर स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, जब कोविड चालू हुआ था तो हम 3 दोस्तों ने, बिमल शर्मा जो मेन हमारे लीड लेते हैं, संजीव जी गुप्ता, और हम लोग उन्हें जब लोगों को देखा ये फेसबुक पे पोस्ट आए ब्रेड के लिए व्यक्ति मांग रहता है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो हम लोगों के लिए दिमाग में आया कि हम लोग कम्युनिटी को कुछ लौटाना चाहिए। हम जब प्रभु ने हमें उसमें रखा है कि हम कुछ कर सकें, तो समय से फिर हम लोगों ने चालू किया था, और आज हम सभी समाज के सभी लोगों की मदद से गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि हम 11,000 से ज़्यादा लोगों को फूड हैम्पर प्रोवाइड करवा चुके हैं, और 6,000 से ज़्यादा मील कुक होमलेस पीपलों को हम प्रोवाइड करवा चुके हैं। इसके अलावा अभी जो फायर हुआ था, तो उसमें हमने एडिसन और स्पोर्ट्स ग्रुप में 150 से 200 मील तक जो है हमने प्रोवाइड किए थे। तो केवल ये है, इसमें हमारा पास न कोई सरकारी फंड न कुछ, केवल समाज के सभी वर्गों की मदद के साथ में हम लोग ये काम, और चाहे टेम्परेचर -50 रहा हो, चाहे +45 रहा हो, चाहे तूफान आया हो, चाहे बारिश आई हो, हम लोगों ने कभी इस चीज़ को। राजीव जी, ये बताएं कि ये जो प्लांटेशन है, ये आपको प्लांट्स जो है वो सिटी प्रोवाइड करती है और आप लोग उसको प्लांट करते धरती में? ऐसा सिटी के ब्रांच है रूट्स फॉर ट्री, वो हमें प्लांट और इसके अलावा जो सर्वर्स ग्लव्स है वो सब वो प्रोवाइड कराते हैं। हम केवल उनके साथ में मिलकर वॉलेंटियर्स, हमारा ग्रुप वॉलेंटियर्स प्रोवाइड करवाता है, तो वॉलेंटियर्स हम प्रोवाइड कराए और जहाँ वो जगह होती है वहाँ हम लोग प्लांट करते हैं। फिर ये यहाँ से फिर सिटी और जहाँ प्लांट की जरूरत होती है, फिर सिटी ऑफ एडमिंटन वहाँ प्लांट को मूव करते हैं।
बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी, बहुत ही बढ़िया आप लोगों का ये उपराला है। और अब जैसे आज हमारे 70 लोग रजिस्टर्ड हैं, पर हमें 60 लोगों की परमिशन है, 10 लोग और वॉलंटियर जो सामान निर्देश हो जाए करने के लिए, 70 लोग आज हम लोग वो रजिस्टर्ड हमने किए हैं। और ये मनीषा जी तिवारी जो गायत्री परिवार से जो हमारे साथ में कोऑर्डिनेट करती हैं, और वसुधा जी तिवारी जो इंडो कैनेडियन वोमेंस एसोसिएशन है, आज ये हम तीन ग्रुप द्वारा कम्बाइंड रूप से कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। और इसी साथ आज हमें आज हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए सिटी काउंसलर भी हमारे बीच में आई हैं, तो हम थैंक यू सभी वॉलेंटियर्स का, थैंक यू अपने सिटी काउंसलर, और थैंक यू आपका जो आप हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए यह समाचार कवर करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत आभार, थैंक यू।